अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आपके साथ मैं बहुत ही मज़ेदार चिकन वेजिटेबल समोसा की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। चलिए सबसे पहले ऑयल एक कप पैन में डालकर गर्म कर लेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज एक अदद दरमियानी बारीक कटी हुई और इसे दो मिनट तक अच्छे तरीके से भून लेंगे। फिर इसमें शिमला मिर्च एक अदद बारीक कटी हुई डालकर दो मिनट तक फ्राई करेंगे। बंद गोभी इसमें शामिल करेंगे एक कप और दो मिनट तक इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से। फिर इसमें टमाटर एक अदद बारीक कटा हुआ शामिल कर देंगे और एक मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे उबली हुई चिकन एक कप, जिसको मैंने बॉईल करके उसके रेशे अलग कर लिए थे। दो मिनट तक भून लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर, मिक्स कर लेंगे। हमारी फिलिंग हो चुकी है रेडी। अब समोसा बनाने के लिए हमें चाहिए होगा समोसा पट्टी एक अदद, अंडा एक अदद और जो फिलिंग हमने रेडी की थी वो। अब एक समोसा पट्टी लेंगे, इसको समोसा की शेप दे लेंगे। आप चाहें तो इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। अब इसके अंदर फिलिंग शामिल करेंगे। आप अंडा लेंगे और इसके साथ समोसे को रोल कर देंगे इस तरीके से। समोसा हो चुका है हमारा रेडी। इसी तरीके से हम दूसरे समोसे भी रेडी कर लेंगे। इस तरीके से हमने सारे समोसे तैयार कर लिए हैं। एक पैन लेंगे, ऑयल डालेंगे एक कप, फ्लेम रखेंगे हम अपना लो। क्योंकि इसमें मैंने समोसा पट्टी यूज़ की है वो बहुत ज़्यादा उसके लिए बहुत पतली होती है, इसलिए हम इसको बहुत लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे, अदरवाइज ये सारे जल जाएंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई करेंगे।
देखिए हमारे कितने अच्छे समोसे रेडी हुए हैं। लीजिए हमारे मज़ेदार चिकन वेजिटेबल मिनी समोसे रेडी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।